अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग न्यूज़ आर विद सलमा एंड आई एम सलमा कौसर। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में हलचल तो रहती है, लेकिन एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसने एक बार फिर से सियासी मंजरनामे को दिलचस्प बना दिया है। ये मुलाकात थी परवेज़ इलाही और साबिक सदर आसिफ जरदारी के दरमियान, साबिक इत्तेहादियों के दरमियान ये जो मुलाकात हुई, इसके हवाले से कुछ खबरें भी बाहर आईं जो हमारे ज़राए से हम तक पहुँची हैं। इन खबरों ने खतरे की घंटी भी बजा दी है। नाज़रीन, हमारे ज़राए ने यह बताया है कि इस मुलाकात में वफाक और ख़ास तौर पर पंजाब में एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, एक लाहे अमल भी प्लान किया गया है, और ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद दोबारा से एक मीटिंग होगी, और वो जो मीटिंग होगी उस एक इशाइये के मौके पर होगी, और उस मीटिंग में चौधरी शुजात हुसैन भी शिरकत करेंगे। ये बड़ी अहम बात है। और दूसरी जानिब राजा परवेज़ अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म, उनको ये टास्क दिया गया है कि वो पंजाब के इलेक्टेबल से राबता करें, उसके अलावा जो नाराज़ हुकूमती अराकीन हैं उनसे कॉन्टेक्ट करें, और माजी में जो लोग दूसरी जमातों का हिस्सा रह चुके हैं उनसे भी बातचीत करें। ये बड़ा अहम मामला है। इसके साथ साथ अब पीटीआई के घर के अंदर से भी आवाजें उठने लग गई हैं। जो मौजूदा सेशन है इसमें हुकूमती एमएनएस नूर आलम खान और मेजर ताहिर सादिक ने हुकूमती पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि हम ना तो महंगाई को कंट्रोल कर सके हैं और ना ही करप्शन को कंट्रोल कर सकें, और ऐसे हालात में हमारे लिए आइंदा इलेक्शन को बचाना नहायत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन होता नजर आता है। अपोजिशन इत्तेहाद के रबतों में भी तेजी आ गई है। अब ना सिर्फ वफाक और बलोचिस्तान बल्कि पंजाब में भी इसके असरात में नजर आ रहे हैं। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए पहले सेगमेंट में ज्वाइन किया है सैयद हैदर जमान कुरैशी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया हैदर जमान कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। आसिफ जरदारी और परवेज़ इलाही साहब की मीटिंग में कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, और हमारे ज़राए ने यह बताया है कि किसी नए इत्तेहाद की जाने मामला बढ़ रहे हैं। मीटिंग में क्या तबादला ख्याल हुआ इस मामले पर, या रूटीन मीटिंग थी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा इंगेजमेंट में और डायलॉग में बिलीव करती है। वो इदारों के साथ हो, वो सियासी जमातों के साथ हो, वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और जमहूरियत के तसलसल और उसके मजबूती के लिए हो, और हमारे लीडरशिप जो है काहे बगाए इंगेज करती है, अपोजिशन की जमातों से भी करती है और कोलिशन पार्टनर से भी करती है। और आपने देखा कि माजी में बीएनपी मेंगल जो है वो हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ के अपोजिशन रैंक एंड फाइल में आ गई, और भी बहुत सी जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर, रीजनल पार्टीज़ हैं, छोटे ग्रुप्स हैं, इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स हैं, तो हम सबसे इंगेज करते रहते हैं। और हमारा मकसद यह है कि इस नाहल नाजायज़ और नालायक हुकूमत से किसी ना किसी तरीके से पार्लियामान के अंदर से छुटकारा हासिल किया जाए। और इसमें सेंटर स्टेज इस वक्त पंजाब है, जिसके मुतल्लिक हम हमारी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि पंजाब को इस अजियत से जल्दी जान छुड़ानी है। तो हमने सेनेट के अंदर कोशिश की, लेकिन उस वक्त एक अरेंजमेंट हुआ और उस अरेंजमेंट के ज़रिए यहाँ इलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन हम अभी भी ये समझते हैं कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको ये बावर करवाया जाए कि इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस का, करप्शन का जो बोझ है वो क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि अगर वो साथ उठाते रहेंगे तो जो इस हुकूमत का बाय इलेक्शन में अंजाम हुआ है वो उसका खमियाजा इसके इत्तेहादियों को भी भुगतना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि अब रियलाइजेशन है और बहुत संजीदा है, और पीएमएलक्यू पंजाब में एक बड़ा स्टेक होल्डर है, पीटीआई गवर्नमेंट को सहारा दिए हुए है, और हम समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब के साथ हमारी पार्टी के पुराने ताल्लुकात हैं, हमारे साथ वो इत्तेहादी रहे, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, और वजादार आदमी है, उनकी सियासत तजर्बाकार हैं और पंजाब पॉलिटिक्स को और ग्राउंड को समझते हैं, और इस वक्त स्पीकर पंजाब असेंबली हैं। तो ये टाइमिंग वाज राइट है, और मैं समझता हूँ ये बहुत अहम मुलाकात थी। हैदर जमान साहब, बजट इजलास भी जारी है और दूसरी जानिब ये मीटिंग हो रही है, कहीं ये सिग्नल तो नहीं था कि हम बजट पास नहीं होने देंगे अगर हमारे मामलात हमारे फेवर में नहीं जाएंगे? देखिए, बजट पास होना ना होना तो एक हर्डल है, लेकिन बजट पास हो भी जाए तो जो मामलात हैं, जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, जो इत्तेहादी इस वक्त डिसग्रंटल्ड हैं और वो ये समझते हैं कि इस हकूमत के तसलसल और इसकी बैड गवर्नेंस, बुरी तर्ज हुक्मरानी का जो बोझ है उसको वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। कम द टाइम ऑफ द इलेक्शन, आगे बल्दियाती इंतखाबात आने हैं, जनरल इलेक्शन आने हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके सामने हैं।
और इस चीज़ को वाज़े सामने रखते हुए उन्होंने ये मुलाकात की है और उसमें बहुत सरासर गुफ्तगु हुई, बहुत सारे ऐसे नुक्ते और ऐसी बातों पर डिस्कशन हुई जो शायद मैं इस वक्त तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले दिनों में आपको इस मुलाकात के नतीजे में जो सियासी मंजरनामा है खसूसन पंजाब में, उसमें जो रीएडजस्टमेंट है वो आपको होती हुई नज़र आएगी और उसका सेहरा यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जाएगा और जो अपोजिशन में जमातें ये बयानियां बनाए बैठी हैं कि इमरान खान की हम हुकूमत पूरी करवाएंगे वो भी एक्सपोज होंगे और उनकी नफ़ी होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कंसिस्टेंट पोजिशन है कि हमें पहले टारगेट पंजाब करना चाहिए, यहाँ से चेंज ऑफ गवर्नमेंट शुरू होनी चाहिए, पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करना चाहिए, जमहूरियत को मुस्तहकम करना चाहिए, लेकिन इन हाउस चेंज के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और हमने सेनेट में एक विक्ट्री ली जो वज़ीर आज़म को उसके इलेक्टोरल कॉलेज में डिफीट किया। तो पंजाब इस वक्त बड़ा राइप है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आज़ाद MPAs हैं, PTI के ट्रेजरी बेंचेस पे लोग बैठे हैं और इत्तेहादी हैं जिनको बहुत गुस्सा है, उनको उनको वक्त आने पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। कुरैशी साहब, सारी बातें तो आपने नहीं बताई, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्या रीएडजस्टमेंट की जो आप बात करें वो किस किस्म की रीएडजस्टमेंट होगी? ये बातें मीडिया पे तो नहीं बताई जा सकती और आप ना ही ये एक्सपेक्ट करें, लेकिन मैं ये आपको आपके सवाल का एक जामे जवाब दे दिया है कि इस मुलाकात के नतीजे में आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होती नजर आएंगी पंजाब में। कुरैशी साहब, इस मुलाकात के साथ एक और मुलाकात की भी बातें चल रही हैं, एक इशाइया प्लान किया जा रहा है जिसमें चौधरी शुजात साहब भी होंगे, उसके लिए लाहे अमल क्या है आपका? देखिए, चौधरी शुजात साहब बहुत जीरक सियासतदान हैं, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको उनको सेहत दे और प्रेजिडेंट जरदारी साहब ने मुलाकात में उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और यकीनन उन्होंने कहा कि मैं उनसे मुलाकात भी करना चाहूँगा और बिल्कुल एक इशाइया नहीं कई इशाइये होंगे और सियासतदान हैं, मिलते रहते हैं, हर किसी को मिलना चाहिए। हर धर्मी और ईगोइस्टिक सियासत सिर्फ एक नाबालिग और एक ज़िद्दी सियासतदान करता है इस मुल्क में, जो कहता है मैं सियासतदान हूँ लेकिन है वो खिलाड़ी, अनाड़ी खिलाड़ी है और उसकी ज़िद के ऊपर इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क की मईशत हम दाव पे नहीं लगा सकते। वो किराए के तर्जुमान हैं, उनके मरकज़ में और सूबे में वो रोज़ की अपनी नौकरी और जो तनख्वाह लेते हैं वो पूरी करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क के और इस खसूसन पंजाब के अवाम के साथ वो हो रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में और पंजाब की तारीख में नहीं हुआ। अच्छा, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये अभी शुरू हुई है या ये मामला तब से चल रहा है जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन जीते थे? देखिए, पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, सियासी लोग, वो मिलते जुलते रहते हैं, वो चीज़ों को असेस करते रहते हैं और ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस होता है और कोई भी प्रो पाकिस्तानी सियासतदान, कोई भी पेट्रियाट आदमी पाकिस्तान को इस तरीके से इस किस्म के लोगों के हाथों, जिनको अब शायद लाने वाले भी पछता रहे हैं, नहीं जो है छोड़ सकता। जो एक शख्स की ऊपर पोजिशन नहीं ले पाते, वज़ीर आज़म कहता है उसकी नज़र में कोई शहीद है, वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि शायद मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता, वैसे वो ढोल पीटते हैं कि जनाब हमने हवाई अड्डे नहीं देने। जो एक शख्स के मुतल्लिक एक क्लियर पोजीशन नहीं ले सकते, वो इस मुल्क और कौम के असासों के और जो है अहम कौमती सलामती के जो मामलात हैं उन पर फैसला साजी करेंगे। अच्छा कुरैशी साहब, ये भी फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी और काफ लीग क्या सिर्फ मौजूदा पंजाब के हवाले से आइंदा के लाहे अमल पर बात कर रहे हैं या अगर जनूबी पंजाब सूबा बन जाता है, सूबा बनने के बाद जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है उसके साथ कॉन्टेक्ट करके एक मखलूत सेटअप पर भी गौर किया जा सकता है? देखिए, पीपल्स पार्टी हर उस ऑप्शन को कंसिडर कर रही है जिसके नतीजे में इस बुज़दार हुकूमत से फौरी तौर पर जान छूट जाए पंजाब के अवाम की और पंजाब को एक बेहतर गवर्नेंस मिले, एक स्टेबलाइज्ड इकॉनमी मिले और गाली गलोच की सियासत, इंतकामी सियासत और झूठ पर मबनी सियासत का खात्मा हो और एक बेहतर निज़ाम लाया जा सके। आप देखिए कि पंजाब में
आर्टिकल 140 ए पर बात करते हैं फवाद चौधरी साहब, उनको आर्टिकल 140 ए सिर्फ सिंध में नजर आता है, पंजाब में जहां प्रीमेच्योर बल्दियाती इदारे तहरील कर दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आए हुए 4 माह हो गए हैं, अभी तक बल्दियाती इदारों के सरबराहों को चार्ज नहीं दिया गया, तो वो कौन सी डिवोल्यूशन की बात करते हैं, वो कौन से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं? और जनूबी पंजाब की आवाम तो बिल्कुल बहुत नाला है बीबी, उनको तो आपने सूबा देना था। अच्छा, अगर जनूबी पंजाब सूबा बिलफर्ज बनता है तो उसके बाद हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि राजा परवेज अशरफ साहब को बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया है कि वो इलेक्टेबल्स के साथ रابطे करें, पीपल्स पार्टी अपने रिवाइवल के लिए कोशिशें कर रही है पंजाब में। देखिए, राजा परवेज अशरफ साहब बहुत हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं पार्टी के, और यकीनन वो पंजाब में रीऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं, कारकुनों तक भी जा रहे हैं, और यकीनन जो लोग उस 4 दिन की चांदनी के फरेब में आ गए थे, चाहे वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं या पॉलिटिकल हैवीवेट्स हैं सेंट्रल पंजाब में हो या साउथ पंजाब में हो, अब उन्होंने इस दुल्हन का भयानक चेहरा देख लिया है जो उनको 2018 से पहले दिखाई गई थी कहीं कमरे में बिठाकर, वो तो एक डायनुमा शक्ल उनके सामने है, अब वो राइट लेफ्ट देखते फिर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि भूले हुए दोस्तों को मनाए, रूठे हुए दोस्तों को मनाए। कुरैशी साहब, पंजाब में तब्दीली के लिए क्या पीपल्स पार्टी ने जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ कांटेक्ट किया है, रابطे हैं आपके आपस में? हमारा हर ग्रुप से रابطा चल रहा है, खा उस ग्रुप का कोई नाम हो या वो गुमनाम हो, चाहे वो एक फर्द हो या चंद अफराद हो, चाहे वो पार्लियामान में बैठे हुए मेंबरान हो या पार्लियामान से बाहर रनर्स अप हो मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ पार्टीज में, सब दोस्तों से हमारा रابطा भी है, और ना सिर्फ पंजाब में है, KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो मुल्क की साल को इदारों से तसादुम ना करने की सियासत को और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसला साजी करने को तरजीह देती है, और इस एजेंडे के ऊपर हर जमात में हर जगह जो लोग बैठे हैं उनके काफले हमारे लिए वेलकम हैं। अच्छा, ये जो कॉन्टेक्स्ट हैं, इनके सम्राट, इनके नतायज हम कब तक देखेंगे? देखिए, ये कोई हिट एंड ट्रायल तो है नहीं, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसकी एक अपनी पेस होती है, उसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म आदाफ होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो जिस तरीके से ग्राउंड वर्क हो रहा है, जिस तरीके से बातचीत और एंगेजमेंट हो रही है अक्रॉस द बोर्ड, हमें बेहतर नतायज मिलेंगे, और कुछ नतायज तो आपको इन द शॉर्ट टर्म नज़र आने भी शुरू हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत आपको अहम किरदार नज़र आएगा पंजाब की सियासत में भी और कौमी सियासत में। हैदर समान कुरैशी साहब, पंजाब में तब्दीली लाने के लिए और जो कोशिशें हो रही हैं इनके सम्राट को देखने के लिए, क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी का इंतजार किया जाएगा या इससे पहले कुछ एक्सपेक्टेड है? देखिए, ना वो हमसे पूछ के गए थे और ना उन्होंने हमसे पूछ के वापस आना है, ना हमने उनके जाने का इंतज़ार किया था, ना हम उनके आने का इंतज़ार करेंगे। वो अपनी जमात के एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने अपनी जमात के, अपनी सेहत के और अपने और मामलात को सामने रखते हुए अपने फैसले करने हैं। हमने अपना मंजरनामा देखना है, हमने अपनी स्ट्रगल देखनी है, हमने अपने आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स पर हम किस तरह जा सकते हैं, हम इस मुल्क की आवाम की क्या बेहतर खिदमत कर सकते हैं और हमारी लीडरशिप कहाँ कहाँ उनके लिए आवाज़ उठा सकती है। हमारा एक अपना नुक्ता नज़र है, हमारी एक अपनी आइडियोलॉजी है, कुछ मामलात पे हम एग्री करते हैं, कुछ मामलात पे शायद हमारा उस तरह एग्रीमेंट नहीं है, तो हमारे जो फैसला साजी है उसका कोई दारोमदार इस बात पर नहीं है कि कौन इस मुल्क से चला गया है और कौन इस मुल्क से आ जाएगा, हाँ वो कोई भी जमात हो और किसी भी जमात के लीडर हों। बहुत शुक्रिया हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आने के बाद रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, PTI रहनुमा है, हमारे साथ रहिए। बैक नाज़रीन, डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया है PTI रहनुमा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, आसिफ जरदारी साहब की और परवेज़ इलाही साहब की एक मीटिंग हुई है और कुछ खबरें जो हमारे सामने आ रही हैं वो लगता है कि गवर्नमेंट के लिए खतरे की घंटी बज रही है, क्या इत्तला है आपके पास?
जो पुराने सियासी लोग होते हैं और वो हमेशा मिलते रहते हैं और ऐसी मीडिया के लिए खबरें देते रहते हैं, नहीं कोई क्यू लीग का पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद बनने जा रहा है, ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, क्यू लीग का इत्तेहाद पीटीआई के साथ है, उसके साथ ही रहेगा, बाकी दुश्मनी है नहीं। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी अपोजिशन के साथ ऐसे मिलना चाहिए। आज जो क्यू लीग की लीडरशिप जो अगर पीपल्स पार्टी से मिली है, होना तो ये चाहिए कि अगर कल मेरे पास कोई पार्टी हो तो पीपल्स पार्टी वाले भी बैठे हुए हो, पीएमएलएन भी बैठे हुए। मेरी आज बजट स्पीच के अंदर यही बातें थी। अच्छा, कि बी रियलिस्टिक, हम एक दूसरे के खानदानी दुश्मन नहीं हैं, हम बैठे हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ में बैठते हैं, वही चीज़ें हम उनको अच्छा कहते हैं, जब उस तरफ चले जाते हैं उन चीज़ों को हम बुरा कहते हैं। यही जो इंडिपेंडेंट इदारे रिपोर्ट्स देते हैं, जब हम गवर्नमेंट में बैठते हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि देखें हमारी ग्रोथ ये आ गई, हमारी इन्फ्लेशन ये हो गई, हमारी वो हो गई, मगर जब उस तरफ बैठते हैं तो हम दूसरी बात करते हैं। लेकिन सर, अभी थोड़ी देर पहले हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने तो कहा कि ओवरऑल वफाक में भी और पंजाब में भी कुछ रीएडजस्टमेंट की चीज़ें चल रही हैं, क्या कुछ ऐसी बात है या बिल्कुल कतन आप इसको डिसओन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या एजेंडा? इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इत्तफाकन से पॉलिसी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चलती है। अब इंटरनेशनली अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो मियां साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी फारिग हो गया। सही, ठीक है। जो यमन के बाद जो मियां साहब के लिए जो बाद में जो मसले बढ़े, तो इंटरनेशनली क्या सूरत हाल बनती है? ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के साथ, अफगानिस्तान के अंदर इतना अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, मगर आप देखेंगे आज तक इतना खर्चा करने के बावजूद भी जो है वहाँ पे वो अपनी नहीं चला सके। मगर उनकी आज हमारे मुल्क के अंदर, चाहे आईएमएफ के थ्रू, चाहे फेटफ के थ्रू, चाहे हमारे लोगों के थ्रू, चाहे हमारे कर्जों के थ्रू, किसी न किसी तरीके से इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस चलता है। मगर मेरी नज़र में इस वक्त हमारी गवर्नमेंट इमरान खान साहब की लीडरशिप में मजबूत है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से आप ये कहें कि कोई तब्दीली होने वाली है। अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि परवेज इलाही साहब ने जो मीटिंग की है वो हमारे नॉलेज में थी, वो बता के गए थे। क्या पार्टी को बता के गए थे वो? क्योंकि ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं तो ज़रा कॉन्फिडेंस में ले के चलना चाहिए ना उनको आगे। फवाद चौधरी सोबर बंदा है, मगर उसने ऐसी क्यों बात की? परवेज चौधरी परवेज इलाही अगर किसी के पास जाएंगे कि मैं इसकी तबीयत पूछने जा रहा हूं या कल मैं जा रहा हूं, तो वो क्यों बताएंगे? इवन कोई एमएनए भी जाएगा तो वो क्यों बताएगा? उसको फेथ होना चाहिए कि क्यू लीग हमारी इतादी है और इतादी रह रही है। वो अगर जा रही है मिलने के लिए, कल मैं पीटीआई से मेरा लिंक है, कल मैं किसी नून लीग के साथ रात को शाम को अगर बैठता हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी उधर से एफिलिएशन कोई हो गई या उससे मुलाकात ही हो गई। और ये कहना कि मुझसे पूछ कर गए, ये तो और जुर्म है। अगर मुझे जाना होगा क्या मैं किसी से पूछूंगा क्या? लेकिन कि भाई शाम को मैं आपके पास आ रहा हूँ आपकी तबीयत पूछने के लिए। सर, थोड़े बहुत गिले शिकवे भी तो होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपने सेनेट में आपकी एडजस्टमेंट करवाई और आपने हमें शुक्रिया भी अदा नहीं किया, इस तरह की बात। वो चीज़ है, कामिल अली आगा साहब को जिस तरीके से, मैं समझता हूँ वो चौधरी परवेज इलाही की वो होशियारी थी, उसने दोनों पहलू साथ में रखा था। और कामिल अली आगा चौधरी शुजात जो है ना, बोलते हैं ना, बड़ी उम्र का बंदा भली कितना भी बूढ़ा हो जाए, पाकिस्तान की सियासत के अंदर 3 बड़े बहुत बड़े सियासतदान हैं जिनकी सियासत को समझने के लिए पीएचडी करनी पड़ेगी। उसमें नंबर 1 चौधरी शुजात है, नंबर 2 आसिफ जरदारी है, नंबर 3 जो है ना मौलाना फजल रहमान है। इन तीनों की सियासत को समझने के लिए मैं 2002 से सारा कुछ देख रहा हूँ। ये सियासत में इमरान खान साहब इनकी सियासत को कैसे समझते हैं? ये तो जिसको कहते हैं बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, और आसिफ जरदारी साहब की मुफाहमत के तो बड़े चर्चे हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं। देखिए, हर बंदे की अपनी एक, आसिफ जरदारी साहब की जो सोच थी कि हुकूमत चलानी है फिर कॉम्प्रोमाइज करके चलानी है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सोच थी, वो भी सेम सोच थी कि अगर आज उनके ऊपर हम करेंगे तो कल हमारे पर वो चीज़ आएगी, हमें नहीं करना है, बच बचाओ वाली सोच थी। मगर खान साहब की सोच, शहबाज शरीफ की सोच वो दूसरी है। शहबाज शरीफ जाता था परफॉर्मेंस के ऊपर जाता था कि मैं काम करूं, मेरे काम के पीछे लोग आए। खान साहब की सोच, और मैं समझता हूं खान साहब की
स्टेंट और खान साहब की ईमानदारी के पीछे लोग हैं, तो हर बंदे की अपनी एक सोच है, अपनी एक लीडरशिप का तरीकेकार है। अच्छा सर, कुछ लोग पीटीआई से बड़े नाराज हैं, आवाम तो चलो महंगाई की वजह से कुछ लोग जो है ओपोजिशन में, उनकी नाराजगी भी समझ में आती है, लेकिन इत्तेहादियों की तरफ से जैसे अभी हमने इंटरव्यू किया था आगा हसन बलोच साहब का, तो उन्होंने भी हमें बताया कि हमारे जो तहफ़ात हैं वो दूर नहीं हुए, इसलिए हम लोग ओपोजिशन में ओपोजिशन के साथ मिल गए। तो ये जो नाराज़गियाँ हैं, इसको पीटीआई टैकल करने के लिए क्या करिए? अपने अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, मेजर ताहिर साहब की स्पीच हमने सुनी, इसके अलावा नूर आलम खान साहब की स्पीच हमने सुनी, उन्होंने कहा ना तो हमसे महंगाई कंट्रोल हुई, ना ही हम करप्शन को कंट्रोल कर सकें, उनके अंदर भी अब वो बाकी सोच जन्म ले रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जमहूरियत है और जो भी हैवी वेट है वो अपनी अपना मौक़िफ़ ज़रूर रखते हैं और उनको रखना भी चाहिए, मगर कभी भी पार्टी में रहते हुए पार्टी के साथ बगावत नहीं करेंगे, चाहे आप नूर आलम हो, चाहे तार सादक हो, चाहे और कोई हो। अख्तर मेंगल साहब की पार्टी एक अलहदा पार्टी थी, वो एक हमारे साथ जेवी में आई थी और उस जॉइंट वेंचर में उनको समझ में नहीं आई चीज़ें, क्योंकि बलूचिस्तान के जो मेटर हैं वो मैं समझता हूँ सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं, उसके अंदर और भी ज़्यादा स्टेक होल्डर शामिल है, उन चीज़ों को, उन इशूज़ को रिजॉल्व करना इतना ईजी नहीं है, या उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमें अदर स्टेक होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा या आल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, तब जाके वो बलूचिस्तान के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होंगे। सर, वो एपीसी अभी तक क्यों नहीं हुई? ओपोजिशन भी मिलके नहीं बैठती आपके साथ, वजह क्या है? मैं समझता हूँ बलूचिस्तान की बात हर कोई करता है, मगर उस तरीके से उन मसलों को रिजॉल्व करने के लिए हम उस तरीके से आगे, आज 20 साल पॉलिटिक्स में मैंने उस तरीके से नहीं देखा है। उसके अंदर कसूर सिर्फ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का भी नहीं, इंटरनल बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स का है। वो बोलता है मैं बड़ा हूँ, वो बोलता है मैं नवाब हूँ, वो बोलता है मैं नवाब हूँ, वो कहता है मैं नवाब हूँ, सारे नवाब हैं, जिसकी वजह से वो मसले हल नहीं होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब तक ये लोग, पता है जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, मियाँ साहब अपनी सनाला जरी को बना सकता था, मैं उस वक्त रायवन में बैठा था, मियाँ साहब ने कहा क्या करूँ, मैंने कहा सर अब्दुल मालिक जो है वो एक बलोच नेशनल है, उसको आप बनाएं और उनकी पॉलिसी और आप उनको दें, ईमानदार बंदा है। मैंने वहाँ पे नाम पुट किया तो उन्हें कहा कि कल ही उनको बुलाओ। दूसरे दिन हमने रायवन में बुलाया, मैं वहाँ पे मौजूद था, उनको कहा कि भई आप जाके हुकूमत बनाएं, मालिक साहब को हुकूमत दें, आसिफ बजन जो ये वो सारे, मगर आप देखें कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अगर असलम रईसानी को जब आसिफ जरदारी ने दिया तब भी वो सारी हमेशा बलोचों को दी। देखें ना, अगर आप देखें कि वहाँ पे रेशो बलोचों के साथ पठानों का भी आता है और भी कम्युनिटीज़ की आते हैं ना, मगर हमने हमेशा उस चीज़ को प्रायोरिटी दी, मगर उन्होंने नहीं किया, नेशनलिस्ट जो है उसको। लेकिन सर, बीएनपी की तो कुछ कमिटमेंट्स हुई थी गवर्नमेंट के साथ, जब उन लोगों ने शुरू में आप लोगों का साथ दिया था तो उनके वो जब कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई तो वो भी पीछे हट गए। इसी तरह एमक्यूएम ने भी कई मौके पर ऐसा हुआ कि उन्होंने भी अपने मफाद के लिए बात की, उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, इसके बदले आप हमें मिनिस्ट्रीज दे दें, लेकिन कराची पैकेज पर आके वो भी अड़ गए थे, उन्होंने भी कहा कि हमसे जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। तो ये जो वादों की तकमील है ये अधूरी क्यों रह जाती है? इस तरह तो इत्तेहादी वन बाय वन नाराज़ होते जाएंगे। चलो, बात यह है कि मैं 2002 से जब बना, मियाँ साहब की बीच में 2/3 गवर्नमेंट थी, बाकी सारी जो गवर्नमेंट थी वो थिन गवर्नमेंट थी। इत्तेहादी जो बनते हैं ना वो उस टाइम पे सारी डिमांड्स देते हैं, हम बोलते हैं हाँ हो गया हो गया हो गया, इस तरीके से हम कह देते हैं पॉलिटिकली, मगर बाद में जब उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करने पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, तो वहाँ पर दोनों तरफ कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। मगर वहाँ पे जो इतादी होते हैं वो कहते हैं ये हमारी कमिटमेंट है, आप हमसे ये निभाएं, तो इतना इजी होता नहीं है। तो या तो वो खुद उस टाइम पे सोचें या तो जो करने वाले एग्रीमेंट है वो सोचें। अच्छा, दोनों को सोचना चाहिए, मगर यहाँ पे लैप्स ज़रूर है और ये एक रवायत बन गई है। अच्छा सर, अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने का जो मामला है उस पर नाकदीन ये कहते हैं कि पीटीआई इसलिए अब इतनी तेज़ एफर्ट्स कर रही है क्योंकि महंगाई, बेरोज़गारी, ये चीज़ें बढ़ने से वोट बैंक डैमेज हो रहा है पीटीआई का, इसकी वजह से अब कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं ताकि जो लॉस है वोट बैंक का वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पूरा किया जा सके, ऐसा है? देखिए, ये लाजमी नहीं है, हर पोलिटिकल पार्टीज़ की इंटरनेशनल विंग्स हैं, हर पोलिटिकल पार्टी की। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि ओवरसीज़ बिल्कुल हमारे साथ है, ये नहीं है। हर ओवरसीज़ जो है वो अपने इलाके के साथ कनेक्टेड है।
हमारी फैमिलियाँ अगर बाहर रहती हैं, भाई वगैरह कोई भाई रहता है, वो रोज़ाना अपने गांव में बात करते हैं कि भैया मुझे बताएं कि यहाँ पे पोजीशन क्या है, हर बंदे को पता होता है। अब यहाँ पे दो पहलू आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं कि ओवरसीज़ की इंडिपेंडेंट सेपरेट सीट्स हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि बाहर का बंदा आके यहाँ पे इलेक्ट हो जाए ओवरसीज़ वोट के थ्रू। माना अगर कोई बंदा अमेरिका में आज रह रहा है वो गुजरांवाला का है, तो कराची वाले लोग जो अगर अमेरिका में रह रहे हैं तो वो लाजमी तो नहीं है उसको जानते होंगे, मगर गुजरांवाला से लोग अगर अमेरिका में बैठे हुए हैं तो वो गुजरांवाले के लोकल बंदे को ज़रूर जानते हैं कि मेरे इलाके का MNA कौन है। अब यहाँ पे जो लोग हैं PMLN पीपल्स पार्टी, वो कहती है नहीं वो वोट बैंक आपका डर जाएगा। पहली चीज़ तो इनको डर क्यों है, दो चीज़ें, एक तो हमें ये देखना चाहिए कि इंटरनेशनली हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, इंडिया है, बांग्लादेश है या हमारे अलाइन अमेरिका है, वहाँ पे ओवरसीज का सिस्टम क्या है। अगर वहाँ पे ओवरसीज का सिस्टम है हमें ये ओवरसीज का सिस्टम देना चाहिए, उनको वोट का हक देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उसमें कैसे हो वो खदशात दूर होने चाहिए, ईवी मिशन का सिस्टम कैसा हो पूरी दुनिया में चलता है वो भी होना चाहिए, उसके खदशात दूर होना चाहिए, मगर इलेक्ट्रो रिफॉर्म विद कंसेंसस होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रो रिफॉर्म विदाउट कंसेंसस होगा, 2002 से लेके मैं देख रहा हूँ जब भी कोई इलेक्शन होती है दूसरा अपोजिशन हारने वाला वो कहता है मेरे साथ धांधली हो गई। भाई तो आप इलेक्शन कमीशन किसने बनाई, 2002 में इलेक्शन किसने बनाई, 2008 में किसने बनाई, हर गवर्नमेंट जाते जाते वो इलेक्शन कमीशन बनाकर जाती है और उसी के ऊपर धोती अपना रोती है कि हमारे साथ ये ज्यादती हो गई। माजी में जो इलेक्शन कमीशन बनाया हुआ था किसने बनाया, PMLN ने बनाया। हाँ। उसकी शिकायत किसने की, PMLN ने की। PMLN और तो ये कंसेंसस डेवलप ना होने की वजह क्या है, क्यों ये लोग एक पेज पर नहीं आते, अपोजिशन कभी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती चाहे कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में हो और कोई भी अपोजिशन में हो। देखिए ये बदकिस्मती है कि हमारी पॉलिटिक्स रियलिस्टिक नहीं है। हमारे लोग, मैंने आपको कहा ना, उधर बैठते हैं उधर बात करते हैं। 62-63 जब आसिफ जरदारी साहब ने कहा मियाँ साहब को, मियाँ साहब ने इनकार किया। जब मियाँ साहब ने कहा तो उसने कहा अब आप फंसे हो तो मुझे कहते हो। हम टाइम अपने मतलब का यूज करते हैं। हमें पाकिस्तान की पॉलिसी देखनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेहतर में क्या है, डेमोक्रेसी के बेहतर में क्या है। 3 दिन से आप देखेंगे ओसामा बिन लादेन का एजेंडा लेके घूम रहे हैं, ये नहीं सोचते कि हम प्राइम मिनिस्टर को अगर बदनाम कर रहे हैं तो उसे पाकिस्तान इंटरनेशनली बदनाम हो रहा है। मगर हमारी पॉलिटिक्स में जयजयकार हो रही है तो हमें प्राइम मिनिस्टर क्या, पाकिस्तान जाए, हमें क्या करना है। तो हम जो भी सियासत करते हैं वो अपने मतलब की सियासत करते हैं, पाकिस्तान की सियासत नहीं करते हैं। जिस दिन हमारी सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सोच लिया कि हमें पाकिस्तान की सियासत करनी है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन वैसे ही अच्छी है, ये पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है। अच्छा सर, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हुई थी, 49 अमेंडमेंट सजेस्ट की गई थी, लेकिन ओपोजिशन अभी तक किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करी। आपको लगता है कि आइंदा इलेक्शन के लिए ये 49 अमेंडमेंट्स हो पाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। कैसे? देखिए 2017 का जब रिफॉर्म आया, PTI एक साल बायकॉट किया उसने, PMLN वेट करती रही, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज गई, ये एक तरीकेकार है। आज आप जब ये रिफॉर्म करेंगे आपके साथ आराम आराम से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज मिलती जाएंगी। क्यों जरूरत पड़ी कि गवर्नमेंट ने अपने आप के ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों लिया? गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम कर लेंगे। आप बैठे, हम कंसेंसस के साथ तैयार हैं। तो आज सारी पॉलिटिकल पार्टी सेनेट कमेटी में बैठने के लिए तैयार हो गई है। आज शहबाज शरीफ साहब अपना बाहर पॉलिटिकल पार्टीज का जरगा बुला रहा है, जो बाहर नहीं बुलाना चाहिए, अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो बैठी हुई है उनको बुलाना चाहिए बैठ के। और ये टाइम और हालात जो ना दोनों को इकट्ठे लेके आएगा, और ये रिफॉर्म 2021-2022 जरूर आएगा जो आपको 23 की इलेक्शन जो है वो, यानी आपका मानना है कि आइंदा इलेक्शन से पहले ये रिफॉर्म्स हो जाएंगे? बिल्कुल आएगा। और अगर नहीं आया तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बदनामी होगी। ठीक, बहुत किस्मती हो। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन मुझे एक ब्रेक के जाने पड़ने, ब्रेक से वापस आने के बाद BNP के सेक्रेटरी जनरल आगा हसन बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर चुके हैं आगा हसन बलोच साहब, BNP मेगल से इनका ताल्लुक है। बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आपका इस वक्त हुकूमत के साथ स्टेटस क्या है, क्या आप हुकूमत के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं या खुद को PDM का हिस्सा समझ रहे हैं, क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए जी, एक साल कबल हमने जो हमारे चीफ पॉइंट्स थे, जो बलूचिस्तान के अहम मेजर्स पॉइंट्स थे, तो इनके हवाले से हुकूमत ने कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किए।
बलूचिस्तान के इशूज़ पे, इसलिए हमने खैरबाद कह दिया है। और अब जो हमारी पोजीशन है कि हम पीडीएम का हिस्सा है और बाकायदा तौर पे पीडीएम की जो तहरीक है अपोजिशन की, हम उनके साथ जदोजहद कर रहे हैं और एक फाल और मुतरिक किरदार अदा कर रहे हैं। बलोच साहब, पहले आप हुकूमत के साथ थे, लेकिन फिर जब आपके जो भी मुतालबात थे वो पूरे नहीं हुए तो आपने पीडीएम की राह ले ली। अब पीडीएम के साथ भी अगर आपकी बात नहीं बनती, नहीं सुनी जाती, तो फिर आप ख़ुद को सियासी तौर पर कहाँ देखते हैं? देखिए जी, एक तो जो हुकूमत के साथ हम आए थे उस वक्त भी हमने कोई मिनिस्ट्री, कोई वजारत, कोई मराद नहीं ली थी। हमने कहा था कि जी बलोचिस्तान के जो 6 पॉइंट्स हैं, मेजर इशूज़ हैं, अगर ये हुकूमत समझती है कि बलूचिस्तान में आलात को साजगार बनाया जाए, बलूचिस्तान के लोगों की पसमानदगी दूर की जाए, बलूचिस्तान में अच्छा खुशहाल ज़िंदगी लोग बसर करने लगे, तो हमने देखा कि भाई आप पीछे इशूज़ हल कर दें। लेकिन कोई मजबूत इकदाम नहीं उठाए, इसकी वजह से पॉलिटिकल वर्करों का, लोगों का, बलूचिस्तान के आवाम का एक काफ़ी प्रेशर ताम पे कि जी हमारे इश्यूज हल नहीं हो रहे हैं, बिलखसूस लापता अफराद के हवाले से, और बलूचिस्तान में 2 बड़े डैम्स के बनाने के हवाले से, अफगान माजरीन की बाइज़्ज़त इनखला के हवाले से, और बलूचिस्तान की जो नेशनल रिसोर्सेज है उसमें बलूचिस्तान की शेयर में इजाफे के हवाले से, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। 2 साल तक हमें कहते रहे कि जी हम मसले हल करेंगे, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम चाहते हैं इस मुल्क में जमहूरियत परवान चढ़ सकें। लेकिन 2 साल के बाद जब हमारी सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो मौजूदा हुकूमत है कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा है, इशूज़ हल नहीं कर पा रहे हैं, तो लिहाजा आप इन्हें छोड़ दें। तो हमने हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट अख्तर जान मेगर साहब ने असम्बली में आके वो इशूज़ भी एड्रेस किए, बताया भी उनको, उसके बाद हम चले गए पीडीएम। अब जो पीडीएम है उसमें जो जमाते हैं, नून लीग है आपका, जमीयत उलमा इस्लाम है आपका, और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, हम हैं, ये जितनी जमाते हैं पीडीएम अपनी जगह पर कायम दायम है, और वो यानी उसकी मीटिंग्स भी हो रहे हैं। अपोजिशन में शहबाज शरीफ साहब मजबूत किरदार अदा भी कर रहे हैं, मौलाना साहब की पार्टी भी किरदार अदा कर रही है। तो कहने का मकसद है कि हमारी हम इनके हिस्सा हैं और इन्हीं के साथ हम जदोजहद कर रहे हैं। अगर ये कल मज़ीद भी तकसीम होती है तो यकीनन हम हमारा जो मकसद मेवर है कि हम अपोजिशन जमायतों के साथ रहेंगे, वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम अकेले भी अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं। आगा हसन बलोच साहब, जब ये पीडीएम जमातें खुद इकतदार में थी, अपोजिशन जमातों के पास इकतदार था, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, अब आप इनसे तवक्को कैसे रखते हैं कि ये अब कुछ करेंगे आपके लिए? देखिए जी, अभी तो बिल्कुल आप सही कह रही है कि माजी में भी बलोचिस्तान में बलोचिस्तान के इशूज़ को एड्रेस नहीं किए गए हैं, लेकिन जब हम पीडीएम में आए और इन के जितने भी अरबाब इख्तियार थे, हुक्मरान हमारे करीबी इत्यादि थे, तो हमने इसको कहा कि जी देखो जी, अभी आज हम सब अपोजिशन में हैं, लेकिन कल अगर इंशाल्लाह वो दिन, उम्मीद है कि वो दिन आएंगे जब पीडीएम की जमातें इकतदार में होंगी, तो बलूचिस्तान की जो 6 मेजर इशूज़ हैं, तो आज ही आप लोग के अखलाकी तौर पे बॉन्ड हो, पाबंद हो कि आप आने वाले वक्तों में, मुस्तकबिल में इशूज़ पर इनको एड्रेस करोगे। बलोच साहब, कुछ बातें तो ऐसी भी चल रही थी कि शायद आप सूबाई हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते थे, फिर बाप पार्टी की वजह से आप नाराज़ हो गए थे। जी नहीं, शुरू दिन से हमें कहा गया था कि बाप पार्टी के साथ आप लोग मिनिस्ट्रियाँ ले लें, वहाँ पर हुकूमत कर लें। आप यकीन जाने उस वक्त भी हमने सूबाई हुकूमत को रिजेक्ट किया था और हमने कहा था कि भाई हमें हम मिनिस्ट्रियाँ लेने नहीं आए, फेडरल में भी मिनिस्ट्रियाँ दे रहे थे हमें, प्रोविंशियल असम्बली में भी आवाम पे मिनिस्ट्रियाँ मिल रही थी हमें, और कह रहे थे कि जी गवर्नर भी आपकी पार्टी से बनाएंगे, मुख्तलिफ मरहत का हमें भी बताया गया, लेकिन हमने कहा कि नहीं जी, हमारे लिए जो सबसे अहमियत कामिल है 6 नुकात हैं, अगर बलूचिस्तान के आवाम के लिए हम 6 नुकात के इशूज़ हल कर देते हैं
तो हम हमेशा बलूचिस्तान के लोगों के दिलों पे राज करते रहेंगे, बलूचिस्तान के इश्यूज हल होंगे और जो लापता अफराद की लवाकिन हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, माएँ हैं, बहनें हैं या घर वाली हैं और जो राह तक रही हैं, तो उनकी इश्यूज हल होंगे। तो यकीनन हमारा सब कुछ, हमारा सब मेवर मकसद भी यही है कि बलूचिस्तान के लोग, बलोच कौम, बलूचिस्तानी आवाम मुतमैन हो, सेटिसफाई हो, उनकी इशूज़ हल हो। ये हमारे लिए मराद भी है, वजारतें भी है, मिनिस्ट्रियाँ भी है, सब कुछ ये कि लोगों का अहतमाद हमारे लिए कायम हो। आगा हसन बलोच साहब, अगर हुकूमत आपके लिए कुछ मुस्बत इकदाम करती है तो क्या आपकी कोई वापसी के चांसेस हैं? देखिए जी, हुकूमत का जो रवैया है ना, एक तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के रवैये से हमें बहुत काफ़ी दुख हुआ है। एक तो एक ये जो अख्तर मेंगल साहब हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी जरी ज़मीन से लम्स यूनिवर्सिटी वट कैंपस के लिए करोड़ों रुपये की ज़मीन दी थी, जिसकी लागत करोड़ों में है। लेकिन दो साल से मुतातिर पीएसडीपी का फंड्स एलोकेट नहीं कर रहे हैं और न इसे पीएसडीपी का हिस्सा बना रहे हैं। अब तो मुझे ये सुनने में आया कि मेरे एक सिर्फ चेयरमैन ही दिया था मैं आईपीसी के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी का, अब हुकूमत मंडे को शायद मेरे ख़िलाफ़ अदम इतमाद ला रही है और मुझे भी वहाँ से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। जब कोई अगर इस हद तक जाते हैं लोग, तो उनसे क्या तवक्को रखते हैं कि भाई वो बलूचिस्तान के मेजर इशू कैसे हल कर सकते हैं? अच्छा, सनाउल्ला जहरी साहब और अब्दुल कादिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप नए इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएं? जी नहीं, सवाल से तो पीपल्स पार्टी में हमें भी पता है कि वो जा रहे हैं, और लेकिन इस हवाले से किसी ने बताया नहीं न कोई ऐसा इत्तेहाद बनने जा रहा है। और जो पीडीएम के इत्तेहाद है, हम उसमें यानी बिल्कुल आज भी मुतमैन हैं और सेटिसफाई है और उससे जद्दोजहद कर रहे हैं, और जो जलसे होंगे पीडीएम के या इससे पहले जलसे हो चुके हैं उनमें हमने हमेशा शिरकत की है। लीडर ऑफ अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो पार्लियामेंट में जो इकदाम कर रहे हैं या जो उनका मजबूत किरदार है, हम उनके साथ खड़े हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं। हम समझते हैं इस वक्त पूरे मुल्क में जो एक मजबूत तरीन जो आप कह सकते हो अपोजिशन के इत्याद है, वो पी डी एम है, जिसमें तमाम जमातें शामिल हैं, और इसी तरीके ए एन पी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ हमारे अच्छे मुनासिब हैं और एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है अपोजिशन के हवाले से। तो हम उसे उन्हें भी फ़रोग देंगे और पी डी एम को भी फाल और मुतरक बनाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आगा हसन बलोच साहब, पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात है, तो उस इख्तलाफात के बाद क्या पीडीएम में कोई जान बाकी रह गई है? क्या भी पीपल्स पार्टी से कुछ उम्मीदें बाकी हैं? देखिए जी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हो या अवामी नेशनल पार्टी हो या पीडीएम में जितनी भी जमाते हैं, इन्हें अपोजिशन के वसी तर मुफादात के लिए मुतहद होना पड़ेगा और एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और क्योंकि जब अगर हम मुतहद नहीं होंगे, यकीनन हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का हो, बीएनपी का हो, जमीयत का हो या अवामी नेशनल पार्टी का हो, वो यकीनन मायूस होंगे और मायूसी की आला मायूस होंगे और यकीनन ये बेहतर नहीं है। क्योंकि जब आप तकसीम दर तकसीम होंगे तो यकीनन जो जमाते तक अपोजिशन की तकसीम होंगे, तो उससे ये कि आपके पॉलिटिकल वर्कर में एक मायूसी फैलेगा, आवाम में मायूसी फैलेगा। क्योंकि आज आवाम को एक जो रोशनी की किरण दिखाई दे रही है वो पीडीएम है, अपोजिशन है, जो इस गवर्नमेंट से, जो हुकूमत से, जो आप अंदाज़ा लगाए आज महंगाई का क्या आलम है। अच्छा बलोच साहब, पीडीएम में इख्तलाफात इसलिए भी हैं कि सिंध में मौलाना की जमात पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, वफाक में आप कह रहे हैं कि साथ है, कि ये भी वजह है? जी उन पे तो मैं नहीं जानना चाहूँगा। मैं तो एज ए वर्क पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि मैं आज भी बिलावल भुट्टो साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि हमें मज़ीद मुतहद होने की ज़रूरत है। अपोजिशन जब मुतहद होगी तो यकीनन बहुत से मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। वन लास्ट क्वेश्चन सर, मरियम नवाज ने उस्मान काकर साहब की मौत पर कुछ सवालात उठाए हैं, ये जो साजिशी थ्योरी है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के एक फर्जंद
उस्मान खान काकड़ साहब, तो हम उन्हें उनकी जद्दोजहद पे खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। यकीनन किसी भी एरिए तो बहुत बड़े रहनुमा थे। अगर किसी भी आम इंसान का अगर कोई मर्डर होता है या किसी साजिश के तहत उसे कत्ल किया जाता है, उस पर तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बननी चाहिए, बारीक बीनी से उसे देखा जाए क्या इसके कौन सा अवामिल थे जिसकी वजह से इसकी असैसिनेशन की गई है, तो उसमें बिल्कुल होनी चाहिए। हमारी पार्टी, हम बिल्कुल इसकी मुकम्मल तौर पर हमायत करते हैं। एक तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए और वो मामलात को बारीक बीनी से देख के बलूचिस्तान के एक ऐसे अजीम शख्स की जो मर्डर है उस पर तहकीकात सामने लाए, ताकि बलूचिस्तान में मजीद महकूम अकवाम में ऐसा से महकूमियत जन्म न ले, बल्कि वो भी समझे कि भी हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमारे जो रहनुमा, हमारे जो लीडर उस्मान काकड़ साहब थे, पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी के एक मरकज़ी रहनुमा थे, उनके साथ जो हुआ यकीनन वो एक दिलखराश हुआ किया है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आगा हसन बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। न्यूज़ आर विद सलमा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।